हेलो गाइस, आज मैं एक अच्छी एडिटिंग दिखाने जा रहा हूँ। चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम गैलरी में जाके एक फ़ोटो को हम चूज़ करेंगे। इस फोटो को उसके बाद हम शेयर करेंगे। उसके बाद हम शेयर करेंगे स्नैपसीड ऐप पर, जो कि मैंने शेयर कर रही हूँ। स्नैपसीड ऐप अब ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम स्मूथ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो राइट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब जो टूल्स है टूल्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब ये जो ब्लैक एंड वाइट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। अब हम राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी जो व्यू एडिट्स, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ब्लैक एंड वाइट ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब ये जो नीचे वाला ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करके फोटो को थोड़ा सा साफ कर देंगे। फोटो पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो गैलरी पर हम एक फ़ोटो को चूज़ करेंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया हूँ। अब हम चूज़ करके कहाँ गया, यही है फोटो। इस इंस्टाग्राम आइकन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम सेटिंग कर देंगे। इसको पूरी तरह इसका सेटिंग करने के बाद इसको हम ब्राइटनेस फुली कर देंगे। जो राइट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। व्यू एडिट्स के बाद डबल एक्सप्लोर, इसके बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके 0% रख के उसके ऊपर हम साफ कर देंगे। ये साफ हो चुकी है। थोड़ा सा और एडजस्ट करने के बाद ये बहुत ओपी लगेगी।
एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगी। अभी पूरी तरह एडजस्ट हो चुकी है, इसको बेक कर देंगे। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर बेक कर देंगे, फिर डबल एक्सप्लोर। उसके बाद हम फिर एक फोटो चूज़ करेंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। अब मैंने फ़ोटो चूज़ कर रहा हूँ, जो कहा गया ये जो फोटो है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद ये बहुत अच्छी लगेगी। इसको फुली ब्राइटनेस करके राइट के बटन पर क्लिक कर देंगे, और ये पूरी फिर से व्यू एडिट्स जाके इसको हम साफ कर देंगे। व्यू एडिट्स, इसको पूरी तरह से इसको परसेंटेज को जीरो कर देंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट हो चुकी है, अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव कर देंगे, ये सेव हो रहा है, सेव हो ही गया गैलरी में। फिर से हम गैलरी में इस फोटो को शेयर करेंगे पिक्स आर्ट ऐप पर। पिक्स आर्ट ऐप पर शेयर करने के बाद ये ऊपर ओपन हो रहा है, यह अभी ओपन ही हो गया। ओपन होने के बाद ये जो लेंस बटन है, इसको ऊपर हम क्लिक करके ये वाला लेंस को हम चूज करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर रख देंगे। ये बहुत ओपी लगेगी, इस प्रकार फोटो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा ओपी लगती है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके इसका कलर चेंज कर देंगे। इसमें बहुत तरह की कलर है, कलर से इसको हम जिसमें भी एक चूज करके थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको सेव कर देंगे। ऊपर वाला जो राइट बटन है, इसके ऊपर एडजस्ट करके इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे,
या एडजस्ट हो रहा है। अब मेरे एडजस्ट हो गया। अब हम फिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड में इसका ही इमेज डाल के ये इसको हम ब्लर थोड़ा सा ब्लर कर देंगे और एडजस्ट कर देंगे। इसको हम 41 रख देंगे, 41 की 43 बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको सेव करेंगे। या अब एडजस्ट हो रहा है। इसको शेडो को हम फुल्ली 100 कर देंगे, बहुत अच्छी लगेगी। अब राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को हम सेव कर देंगे। अब मेरा एडिटिंग हो गया है।